वेलकम बैक। मग कसं काय टकाटक आर्मी, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हैप्पी गुड़ी पाड़वा, जो मराठी लोग हैं उनको समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो में विवो V27 और ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूँ। तो गाइज नॉट ओनली अनबॉक्सिंग, ऐसी चार चीजें मुझे पता चली है कि गाइज इनमें कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होना चाहिए था, और विवो को भी यार इन चीजों में कॉम्प्रोमाइजेस एटलीस्ट नहीं करना चाहिए था। ऐसी चार चीजें मुझे देखने मिली इस फोन के अंदर, बताऊंगा आगे क्या है। तो सबसे पहले इन शॉर्ट अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। और सबसे पहले थैंक यू सो मच नोबेल शॉप सोलापुर, इनके थ्रू ही मैंने ऑफलाइन से ये फोन बाय किया है। मैंने फ्लिपकार्ट पे भी बाय किया था और vivo.com से भी मैंने बाय किया था, बट उनकी डिलीवरी बहुत ही लेट थी, तो मैंने सोचा चलो ऑफलाइन में देख लेते हैं रिस्पांस कैसे मिलता, मतलब ऑफलाइन में मिलता है कि नहीं। तो गाइज ऑफलाइन में ये फोन इजीली मिल जाता है और नोबेल शॉप के थ्रू मैंने लिया था। तो भाई वो बंदे 30 किलोमीटर आगे आए थे फोन डिलीवर करने के लिए, और मैं अपने घर से 17 किलोमीटर गया था मोहल में, और मोहल में जाके हम मतलब फोन मैंने उनके थ्रू ले लिया। तो गाइज लगभग ये फोन मुझे पड़ा है 30,000 में, क्योंकि ऐसे क्रेडिट कार्ड के साथ मुझे 3,000 का कैशबैक मिला है जो 90 डेज के बाद क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले गाइज ये विवो का टिपिकल बॉक्स देखने को मिलता है। बॉक्स को खोलने के बाद गाइज सबसे ऊपर आपको फोन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद गाइज ये पुस्तकें वगैरह देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद आपको एक ट्रांसपेरेंट केस भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइज आपको ये फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो फोन 66 वाट को फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और नॉर्मल आपको टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद ये रहा फोन, चलो रैपर से फोन को बाहर निकाल लेते हैं। और रैपर से फोन बाहर हटाने के बाद फोन मुझे बहुत ही लाइट वेट लग रहा था। लगभग गाइस ये फोन 180 ग्राम का देखने मिलता है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फील हुआ, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद इसका जो बैक पैनल है ये कलर को चेंज करता है है ना, गजब बात। बट इसी फैक्टर को देख के फोन बाय मत करना, ये ज्यादा टाइम तक कलर नहीं चेंज करता। जैसे आप सनलाइट में जाते हो तब भी ये कलर चेंज कर लेता है हल्का सा, और उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। ऊपर के साइड से पूरा प्लेन देखने को मिलता है, ना आयर ब्लास्टर देखने को मिलता है, ना हेडफोन का गड्ढा आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन और पावर बटन देखने को मिल जाता है। नीचे के साइड में गाइस आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, भाई साहब सिंगल स्पीकर, वो भी 30,000 के फोन में, और एक साइड पूरी आपको क्लीन देखने को मिल जाती है। तो ये रहा फोन का ओवरव्यू। तो गाइस कोई भी फोन मेरे हाथ में आता है ना, तो सबसे पहले गाइस मैं डिस्प्ले टेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि डिस्प्ले मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो 6.78 इंच फुल एचडी कर्व एमोलेड 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ इसका डिस्प्ले देखने को मिलता है। और सबसे पहले इंडोर ब्राइटनेस टेस्ट किया, 670 निट्स के आसपास इसका इंडोर ब्राइटनेस देखने को मिला, और जैसे आप आउटडोर में जाते हो तो और ज्यादा ब्राइटनेस बूस्ट हो जाता है, और हर्ष लाइट कंडीशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, टकाटक इसका डिस्प्ले विजिबल हो जाता है। उसके बाद गाइस मैंने चेक किया 4K HDR में भी ये तगड़ा ब्राइटनेस को बूस्ट कर लेता है YouTube पे वगैरह, और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ना ये भी आपको मस्त देखने को मिल जाती है। ओवरऑल गाइस मतलब आप सामने से देखते हो ना तो आपको फ्लैगशिप जैसा फील होगा, क्योंकि कर्व डिस्प्ले की वजह से, और बेजल्स वगैरह भी गाइस आपको बहुत ही कम देखने को मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले का डिपार्टमेंट मुझे बहुत सही लगा, बाकी वाइड वन एल वन वगैरह देखने को मिल जाता है, और जो वीडियो क्वालिटी है आपको डीप ब्लैक हो, कलर सैचुरेशन वगैरह हो, ये बहुत ही मस्त देखने मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले इसका मुझे बहुत मस्त देखने मिला। तो डिस्प्ले एमोलेड है, तो जो फिंगरप्रिंट है गाइस इन डिस्प्ले वाला देखने मिलता है, बहुत ही फास्ट है, क्विक है, क्विक रिस्पॉन्ड यहाँ पे कर लेता है। बाकी गाइस एक चीज मुझे बहुत ही खराब लगी, वो है इसके हैप्टिक्स, भाई घुर घुर कर दे हैप्टिक्स, कैसे घुर घुर टक टक वाली बिल्कुल फील नहीं है। ये आईक्यू के 25-26,000 के फोन में भी टक टक वाली वाइब्रेशन मोटर देखने मिलती है, बट इसमें 30,000 का फोन और घुर घुर वाली वाइब्रेशन मोटर देखने मिलती है। उसके बाद गाइज मैंने चेक किया इसके स्पीकर, एक ही है तो एक ही स्पीकर बोलना पड़ेगा, भाई 30,000 दे रहे हो और इसमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर भी नहीं है, और जो स्पीकर चिपकाया है वो भी ज़्यादा लाउड नहीं है, तो सिंगल स्पीकर की क्वालिटी क्या ही बोलूं गाइज मैं। जैसे कि 15-13,000 में सिंगल स्पीकर के साथ फोन आते हैं ना, उसकी जैसी ही क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे भी फोन ने मुझे निराश किया। उसके बाद मैंने चेक की इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी, तो टकाटक 4G+ चलता है। अभी मैं स्टूडियो में हूँ, यहाँ पे भी 4G+ आ रहा है, तो यहाँ पे 4G+ के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत आती है 5G बैंड्स के रिगार्डिंग। 5G सपोर्टेड फोन है बट 6 ही 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं, 6 5G के ओनली बैंड देखने मिलते हैं, वो भी 30,000 के फोन में। मोटरोला के 15-16,000 के फोन ले लो, पोको के फोन ले लो, भाई 10-10, 12-12, 13-13 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं, बट ये 30,000 का फोन है, 6 ही 5G के बैंड देखने मिलते हैं, और इसमें भी दो मेन 5G के बैंड मिसिंग है, N41 और N77।
ये दो बैंड्स इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलते। उसके बाद गाइस मैंने चेक किया इसका सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने फोन को बॉक्स से बाहर निकाला तो इंटरनल स्टोरेज 128GB से कितना खाली देखने मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हो, बाकी 1GB का रैम देखने मिलता है। और सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे 6 ब्लोटवेयर्स देखने को मिले, 6 ब्लोटवेयर्स। और उसके बाद गाइस मुझे हॉट गेम्स और हॉट ऐप्स भी देखने मिला, और ऐप रिकमेंडेशन पे एक फोल्डर देखने मिला जिसके अंदर भी कुछ ब्लोटवेयर्स थे। तो यहाँ पे गाइज मेरा कहने का मतलब ये है, 30,000 का फोन है और अभी भी वीवो हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स को डिसेबल नहीं कर रहा है, जो बार बार नोटिफिकेशन भी भेजता है, और इनका जो ब्राउजर है ना उसके थ्रू भी नोटिफिकेशन आ रही थी। बट ओवरऑल गाइज आप अंदर जाते हो, जैसे कि सेटिंग के अंदर चले गए तो आपको एंड्रॉइड 13 देखने मिलता है फन टच ओएस 13 के साथ। तो सॉफ्टवेयर तो लेटेस्ट है बट कुछ ऐसी चीजें हैं, ब्लोटवेयर वगैरह, ये नोटिफिकेशन बार बार भेजना, इससे ना एक्सपीरियंस यूजर का थोड़ा सा खराब हो जाता है। ओवरऑल बाकी बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर देखने मिलते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और आप फटाफट ऐप्स को ओपन क्लोज करते हो तो हल्के से जिटर आते हैं, और जैसे कैमरा ऐप को आप ओपन और क्लोज करते हो तो यहाँ पे भी तगड़ा जिटर देखने मिलता है। और आप अचानक से सेटिंग के अंदर भी चले जाते हो ना तो कभी कभी हल्का सा जिटर आता है, तो यूआई को और स्मूथ करने की यहाँ पे जरूरत है। बाकी जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है यहाँ पे गाइज मैंने चेक किया यूट्यूब के अंदर वगैरह, तो यहाँ पे भी ये 120 हर्ट्ज पे ही चलता है। बाकी मैंने चेक किया इसका परफॉर्मेंस और यहाँ पे भी मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड ही रहा। डेमेंसिटी 7200 नया डेमेंसिटी का मतलब मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने मिलता है, इसको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। अनटूटु स्कोर 6,18,000 के आसपास देखने मिलते हैं। उसके बाद सीपीयू थ्रॉटलिंग में 82% का परफॉर्मेंस दे पा रहा था और 1,63,000 ओवरेज जीआईपीएस स्कोर आ रहे थे, और इस फोन के अंदर आपको कोई भी परफॉर्मेंस मोड, मॉन्स्टर मोड वगैरह देखने को नहीं मिलता। उसके बाद गाइस मैंने रीड राइट स्पीड भी चेक की, ये प्रोसेसर यूएफएस स्टोरेज 3.1 सपोर्ट करता है बट जो रीड राइट्स के स्पीड आ रहे थे वो यूएफएस स्टोरेज 2.2 जैसे ही आ रहे थे, तो यहाँ पे भी मुझे ऐसी कुछ चीजें देखने मिली। ओवरऑल गाइस प्रोसेसर को टेस्ट करना है तो आपको पता है गेमिंग टेस्ट करने से कुछ चीजें पता चलती है कि प्रोसेसर कितना पावरफुल है कि नहीं। अभी करंटली BGMI मैंने इसमें ट्राई किया, स्मूथ प्लस 16 देखने मिलता है, HDR में ओनली अल्ट्रा मतलब 40 FPS देखने मिलता है। तो गाइस जैसे मैंने TDM मैच स्टार्ट की भाई 40-45 FPS ही फोन दे रहा था, मतलब इतने FPS में लैग देखने मिल रहे थे। मैंने फिर से चेक किया कि मैंने स्मूथ प्लस एक्सट्रीम रखा है कि नहीं, तो मैंने रखा था, उसके बाद भी मैंने जितना मैंने इसमें गेम खेला बिल्कुल 60 FPS नहीं मिलता है, और FPS में भी गाइस तगड़े ड्रॉप करता है। अभी यहाँ पे मैं था, अचानक से मैं वहाँ पे चला जाता हूँ गेम के अंदर, पता नहीं इतने ड्रॉप तगड़े। तो गेमिंग तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है, हो सकता है आगे जाके ऑप्टिमाइज हो, बट करेंटली जो सिचुएशन है वही मैं आपको बता रहा हूँ। FPS में तगड़े ड्रॉप आते, 60 FPS तो नाम के लिए, मतलब 60 FPS तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो हाँ, कहीं ना कहीं प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है गेमिंग के लिए। बाकी वीवो के फोन तो गेमिंग के लिए नहीं होते, मे भी हो सकता है ये आगे जाके कुछ भी ना करे, इनडायरेक्टली वीवो भी बोलता होगा ना कि गेम खेलना है तो IQ का फोन ले लो, तो ये चीजें देखने मिली। उसके बाद गाइज मुझे चेक करना था इसका कैमरा, क्योंकि इसमें गाइज आपको रिंग लाइट भी देखने को मिल जाती है, और रिंग लाइट को बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, बट ये इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल चीज नहीं है, ये फैक्टर मत बनाना फोन लेने का। फिर भी गाइज इसमें आपको 50 MP का मेन सोनी MX766V सेंसर देखने मिलता है, उसके बाद 8 MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP बिना काम का, और सेल्फी कैमरा आपको 50 MP का देखने मिलता है। ओवरऑल यहाँ पे कैमरा आउटपुट आप देख सकते हो। तो गाइज ये नॉर्मल शॉट है, डायनेमिक रेंज वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे से लिया है, बाकी चेहरे के ऊपर भी डिटेल्स है, और ये अल्ट्रा वाइड है और अल्ट्रा वाइड में कहीं ना कहीं डिटेल्स कम देखने मिलती है, बाकी डायनेमिक रेंज वगैरह सही है। बाकी ये 50 MP का शॉट है और यहाँ पे डायनेमिक रेंज देख लेना कितना मस्त लिया है, हल्का सा फेक लग रहा है, बाकी डिटेल्स ठीक ठाक देखने मिलती है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में भी गाइज यहाँ पे एज डिटेक्शन वगैरह प्रॉपरली देखने मिलता है, चेहरे के ऊपर भी डिटेल देखने मिलती है, और पोर्ट्रेट मोड में 2x का भी ऑप्शन देखने मिलता है। बाकी ये 50 MP का सेल्फी है और यहाँ पे ज़्यादा ही नेचुरल लगता है, बाकी एज डिटेक्शन वगैरह प्रॉपरली मिलता है। और वीडियोग्राफी भी मैंने चेक की, 4K 30 FPS देखने मिलता है, 4K 30 FPS नॉर्मली शूट करते हो तो स्टेबिलाइजेशन देखने नहीं मिलता, बट 4K 60 FPS में आपको स्टेबिलाइजेशन ऑन करने का ऑप्शन देखने मिलता है तब वीडियो क्रॉप होता है। बाकी 1080p 60 FPS में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और सेल्फी से भी आप 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं। 4K 30 FPS है और यहाँ पे आप स्टेबलाइजेशन चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑन करने का ऑप्शन देखने मिलता है तभी वीडियो को क्रॉप कर लेता है। स्टेबलाइज करके है तो वीडियो यहाँ पे इसने क्रॉप कर दिया है अपोजिट टू सनलाइट, और ऐसे भी देख सकते हो कैसे लेता है कलर्स वगैरह। 1080p 60 FPS है तो हल्का सा लैग देखने में मिलता है यार रिकॉर्ड करते समय, जैसे कि आपने देखा, चल चल, तो ये चीज़ है, हल्का सा कभी कभी लैग होता है।
बाकी गाइस 4600 की बैटरी इसके अंदर देखने मिलती है, एटलीस्ट 5000 mAh की होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, बाकी टेस्ट करना अभी भी बाकी है, 7 दिन वेट कर लेना, उसके बाद बैटरी टेस्ट के भी रिजल्ट बता दूंगा। और 66 वाट की फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट कर लेता है। तो इनिशियली मुझे क्या लगा ये फोन यूज करने के बाद, अनबॉक्सिंग करने के बाद, तो गाइज 4 चीजें इसकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। सबसे पहले बैड हैप्टिक्स बिल्कुल गाइज सही नहीं है। 15-16 हज़ार के फोन में जैसे हैप्टिक्स होते हैं वही देखने को मिलते हैं। उसके बाद 6 5G के बैंड्स, एटलीस्ट 10 5G के बैंड्स होने चाहिए थे, और N41 और N77 मिस नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद थर्ड फोन जो मुझे सही नहीं लगा वो है सिंगल स्पीकर। भाई इस प्राइस रेंज में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, एटलीस्ट मिलने चाहिए थे। फोर्थ पॉइंट है गाइस, जो इम्प्रूव हो सकता है वो है इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस, अभी के टाइम पे बिल्कुल सही नहीं है। तो ये 4 तगड़े कॉम्प्रोमाइजेस मुझे इसके अंदर देखने मिले। मेरे हिसाब से और थोड़ा सा इस फोन को टाइम देना चाहिए हमें, अपडेट्स वगैरह 1-2 आने दो, उसके बाद और बहुत कुछ पता चलेगा। उसके बाद भी 30 हज़ार के हिसाब से देखते हो तो कर्व डिस्प्ले देना भी बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जो बैक पैनल है ये मतलब अलग ही कलर चेंज करता है वगैरह, और कैमरा भी इंप्रूव्ड देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें देखने को मिली। बाकी गाइज ऐसे में खुद फोन बाय करके आपके लिए वीडियोस लेके आता हूं, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी फुल रिव्यू वीडियो में आपको कौन कौन से और पॉइंट चाहिए मुझे जरूर कमेंट करना, और कोई भी आपका सजेशन हो वो भी कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।